पिछले 5 दिनों से नालंदा में हो रही लगातार बारिश के कारण पंचाने नदी समेत जिले के कई नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसके कारण न केवल आसपास के इलाकों के खेतों में लगे फसलों को नुकसान हुआ है बल्कि शहर के कई इलाकों में भी जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। अगर जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो बिहार शरीफ शहर के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा पूर्व में ही तेज बारिश की आशंका जताते हुए लोगों को अलर्ट किया गया है, वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद किसानों की चिंता फसलों को लेकर बढ़ गया है। आपको बता दें कि रहुई प्रखंड के कई ऐसे गांव हैं जहां निचले इलाकों में मक्के की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके पूर्व हुई अचानक बारिश से मूंग की फसल की बर्बादी के बाद अब मकई के ऊपर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्या क्या नुकसान हुआ है? हम लोगों का खेत में तो मूंग जो लगा हुआ था वो नुकसान हो गया है, और इसके अलावा जो है मक्का था और खेत में सब्जी वगैरह जितना था वो सब बर्बाद हुआ है। बाढ़ को लेकर क्या खतरा मंडरा रहा है अभी? बाढ़ घर के लेकर के इतना है कि पानी का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। हम लोगों का जो है बिचड़ा जो धान का डाला गया है वो भी डूब गया है, और आगे तो यही है कि हम लोगों का धान भी नहीं रोपा जा सकता। तो सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोगों के लिए जो है आर्थिक सहयोग एवं जो है 8 दिन से जो ये बारिश हो रही है उसके लिए हम लोगों को खाने पीने का जो व्यवस्था किया जाए, और जो भी जितने किसान हैं उसकी जो है मुआयना करवा करके जो है उसकी सहयोग किया जाए। क्या पोजीशन देख रहे हैं? नजदीक पोजीशन है खतरे के निशाने पर अभी। क्या लग रहा है? गांव तो भसेगा, सब जात भस जाएगा, डूब जाएगा। कौन कौन फसल है जो बर्बाद हो गया? अभी बर्बाद हो गया भिंडी, बोड़ा, परोर, साग, बैंगन सब खत्म हो गया। बाढ़ का क्या देख रहे हैं? बाढ़ की स्थिति भी खराब है। क्या बोले? पोजिशन ही खतरे पर अभी है। पंचानी नदी का हाल क्या है? पंचानी नदी खतरा में, भसानी के फेर में ही वो नदी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाँ, मंडरा रहा है। नालंदा जिला में तो लगता 15 दिन से बारिश हो रहा है। बारिश से इतना जो पंचानी नदी का पानी है घर घर में पहुँचने वाला, हम लोग को फल सब्जी जो होता है भिंडी हुआ बैगन वो क्षति हो गया, और उम्मीद है कि घर के मैंने गांव में भी पानी घुस सकता है। पंचानवे में क्या हाल है? ना खतरे से ऊपर मैंने बह रहा है, पंचानवे में भी ऊपर मैंने बह रहा है, पुल से बाढ़ का खतरा अधिक